टाटा और महिंद्रा फर्स्ट का लॉन्च इन 2024 देश की दो बड़ी कार कंपनियां टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा नए साल में नई कारों के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं। टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर पंच एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन टाटा पंच एफ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी सफल एक्स यूवी का फेसलिफ्ट महिंद्रा एक्स यूवी फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी में है यह इन कंपनियों की ओर से अगले साल पहले प्रोडक्ट लॉन्च होंगे टाटा पंच एवं टाटा पंच इलेक्ट्रिक जनवरी या फरवरी में शोरूम तक पहुंच जाएगी लेकिन इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट अभी तक घोषित नहीं हुई है यह माइक्रो इलेक्ट्रिक कार बाजार में सिट्रन एक तीन को टक्कर देगी इसे दो वेरिएंट्स मिस्टर मीडियम रेंज और एल आर लॉन्ग रेंज में उपलब्ध किया जा सकता है पंच एव में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिल सकती है इसे टाटा के जेन टू एव प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जो एल्फा आर्किटेक्चर का रिवाइज वर्जन है टाटा पंच ईवी कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जिसमें फ्रंट में चार्जिंग सॉकेट होगा ये सेगमेंट की पहली कार होगी जिसमें सनरूफ होगा इसके अलावा इसमें दस दशमलव दो पांच इंच का टच स्क्रीन दो स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक गियर सेलेक्ट डायल लेड हेडलाइट्स और रियर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स हो सकते हैं 2024 Mahindra XUV300 facelift. Mahindra अपनी XUV300 का facelift वर्जन ला रही है जो फरवरी में पेश किया जा सकता है इसमें पेनोरामिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है इसके अलावा एसयूवी में एडस दिया जा सकता है जिससे सेफ्टी अपग्रेड होगी इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स तीन सौ साठ डिग्री कैमरा और वायरलेस फोन चार्ज जैसे फीचर्स हो सकते हैं हालांकि डायमेंशन अभी जितनी ही रह सकती हैं नई एक्स 300 तीन सौ में अपडेटेड डिजाइन एलिमेंट्स मिल सकते हैं इंजन ऑप्शन में बदलाव नहीं होने की उम्मीद है एक्सयूवी तीन सौ फेसलिफ्ट को एक एक शून्य पीएस वन दो एल टर्बो पेट्रोल एमपीआई और वन हंड्रेड थर्टी पी एस वन दो एल टर्बो पेट्रोल जी इंजन के साथ पेश किया जा सकता है इनके अलावा